राधे श्याम मित्रों, आज मैं 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का डे 42 और अभी भाई हम लोग जा रहे हैं त्रिलोकपुर। ये दिन भाई तो उठ के मैंने ना सुबह उठ के वो जो मैंने बताया ना साबुदानी मैंने खीर सी बनाई थी वो रखी हुई थी, तो एक कटोरा भर के वहाँ ख़त्म कर दिया और बिल्कुल खा लिया और उसे खा के और उसका पेट तो हो गया था थोड़ा फुलम फुल, तो हमने बोला चलो निकल लेते हैं त्रिलोकपुरी, अपना लेके आएंगे कुर्ता पजामा। तो अभी निकला हूँ, रास्ते में ही हूँ और जतिन भाई ड्राइविंग कर रहे हैं तो दिखाते हैं भाई की ड्राइविंग। माशा अल्लाह क्या ही ड्राइविंग है ये देखिए। बात कुछ ऐसी है जी कि हमारे चार कुर्ते और चार पेंटे थी, ठीक, एक ओम की, एक मेरी, एक जतिन की, एक जतिन के भाई की। तो जतिन के भाई का कुर्ता, मेरा कुर्ता और ओम का कुर्ता मिल चुका है, जतिन भाई का कुर्ता नहीं मिला और हम चारों की पेंटे ना मिली। तो हम जब से दुकान में बैठे हैं वही ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढे जा रहे ना मिली, तो उन्होंने बोली शाम में आने की, तो हम शाम में आएंगे, हमारे छुट्टी फट चुके हैं तो शाम में फिर आना पड़ेगा और लेके जाएंगे, बस मिल जाए भगवान की, कल दिवाली है तो शाम में आएंगे फिर लेके जाएंगे, ठीक है। कुर्ते वगैरह हमने सब छोड़ दिए और इकट्ठा ही लेके जाएंगे तो शाम में सामान। तो गाइज इट्स टाइम 1:20 और अपन आया था अभी नानी के यहाँ, मतलब ओम के यहाँ पे, सत्तू और इन लोग के साथ बैठ रखा था, अपना ही व्लॉग देख रहा था टीवी में, ठीक, और भूख लग रही थी तो नानी अभी ब्रेड सेक रही है तो वो खाएंगे। एंड गाइज एक और बात है, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। देखो शाम में तो कुर्ता लेने जाएंगे वो चीज़ तो ठीक है, अभी मैं यार को जूती लेनी थी पर ओम की ना जूती ओम ने एक बार पहनी थी वो हो गई छोटी, मैं ओम ने एक बार पहनी और ओम का पैर हो गया बड़ा, जूती छोटी नहीं हुई, ओम का पैर बड़ा हो गया, हमने सिर्फ एक दिन पहनी थी वो भी हम लोगों ने किसी काम के लिए थी, साथ गए थे, उसने खरीदी एक दिन पहनी, उसके बाद उसने पहनी नहीं, वो ऐसी कैसी पड़ी और वो मेरे पैर में बिल्कुल फिट आ रही है, तो ओम से वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं पहनूंगा, तो बस वो चेक करने आया था मेरे पैर में और मेरे को भूख लग रही है तो मैंने नानी फिर खाना खिला रही, नानी ऐसे खाली पेट तो भेजेंगी नहीं, और फिर पैर में जूती मतलब पहनने के देखने आया था कि जूती मेरे आ भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बिकॉज आकाश भैया का फोन आया था, वो जा रहे थे अट्टा मार्केट, अगर उसकी जूती मेरे को नहीं पसंद आती है फिर नहीं पैर में आती, मतलब मैं ओम की जूती नहीं सही लगती मेरे को, तो फिर मैं आकाश भैया था भी अट्टा निकल जाता, पर सही आ गई तो फिर मैंने चल कोई दिक्कत नहीं यही ले लेंगे तो यही पहन लेंगे। और अभी आकाश भैया निकल चुके हैं अट्टा, शाम में आकाश भैया भी आएंगे तो उनको भी कुछ सामान वगैरह उनका देना है, उनको उनसे ही मेरे को गंधक पटास लेना है कल दिवाली के लिए, और फिर शाम में निकल जाएंगे उनसे मिलने के बाद डायरेक्ट हम लोग कुर्ता पजामा तक कुर्ता और पैंट लेने के लिए, फिर वहाँ से आएंगे, फिर उसके बाद अपना काम करेंगे नॉन स्टॉप, बहुत ज़्यादा काम है, कल दिवाली है और बस यही सब करना है। बाल लग रहा है सेक्सी, लड़का हो गया जवान। सत्यम भाई जाओ मेरे लिए खाना ले जाओ, जाओ बाल लग रहे हैं मेरी बड़ी भाई, हाँ। बोल मत जो फालतू, बोल नहीं सकता कोई गलत लग रहा है, हाँ। यार थोड़े से इधर ना वन नंबर होना चाहिए था, मजा नहीं आया, थोड़ा सा और थोड़े कम होने चाहिए थे यहाँ पे। ब्लॉक क्यों बंद कर दिया भाई, स्टॉप कर दिया। ब्लॉक कैसे बंद करा मेरा, देखिए एक सीएम वो बैठा, एक सीएम ये बैठा, एक सीएम वो रहा, कितने सत्तू निकाला है और ये भाई पानी है, इसके अंदर क्रिएटिन में मिला हुआ है तो इसके अंदर ही मैं सत्तू बना रहा हूँ, ठीक है। ये ना 200 ग्राम का पैकेट है, देखो मैं इसे 5 पैकेट लाया था मतलब 1 किलो, और 100 ग्राम में आपको दिखाता हूँ, 100 ग्राम में आपको मिल जाता है 20 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 8 ग्राम फैट, ऐसे ऐसे करके, तो ये 100 ग्राम में एक बार ये देखोगे, देखो आप कितने इसकी क्वांटिटी है, तो एक बार बनने में आधा तो लग ही जाएगा, तो एक बार में आधा तब 10 ग्राम प्रोटीन, वो 20 ग्राम प्रोटीन एक बार में लूँगा मैं, तो जितना भी लिखा हुआ है ना ये एक बार में लूँगा, इतना भी यही है क्योंकि आधा पीऊँगा एक बार में, 200 ग्राम का पैक है और 100 ग्राम के हिसाब से ये, ठीक है, तो एक पैकेट छोटा वाला दो बार में ख़त्म, एक नाली से पानी मिला के घोलते पीते हैं और पानी बोतल भर लिया और उसके बाद चलते हैं जिम। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आ चुके हैं भाई जिम में, पूरा जिम आते हो सज चुका है दिवाली के चलते, और अभी एक आज लेग डे है, जितने भाई आए नहीं है सफाई करा रहे और ओम फिर वही कल के काम से कुछ बाहर है अभी तक, तो अभी ऐसे करते हैं लेग डे है अपना अकेले ही मारते हैं ऐसे। तो गाइस अभी 50 के 2 सेट मारे हैं और वेट सेकंड सेट में से नहीं बढ़ाया क्योंकि मैं आज नहीं बढ़ाने वाला था, फर्स्ट टाइम कल है दिवाली और फर्स्ट टाइम मानने आ रहा हूँ भाई 25 के 2 मतलब 50 दोनों तरह मतलब 100
मतलब 220 MBPS मशीन का ही वेट थोड़ा बहुत, तो वो छेड़ूंगा 220 MBPS। और अभिषेक भाई ने टारगेट दिया था कि अगली बार 220 मारना करेंगे भाई, 100 kg पहली बार देखते हैं। छे और मैं भी आया हूँ जिम से, और दीदी भी देखो अपनी ड्यूटी आई है। दीदी को आज क्या मिला? गिफ्ट मिला, दिवाली गिफ्ट। उसमें क्या ये, क्या ये कोई देने की चीज है? ये कोई देने की चीज है भाई? जैसे भी खाते हैं हम, खा लो ये सारा, खा लो सब, खा लो। थैंक यू सो मच मम्मी। आप कुछ कुछ खाना चाहोगे? कुछ खाना चाहोगे? गाइस फिलहाल अभी हम लोग खा रहे हैं केले। केले खा के आज मैं ओट मील नहीं बना रहा, बिकॉज मेरे को जाना है भी कुर्ता वगैरह लेने के लिए। 6:15 हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि केले खाते हैं एंड उसके बाद शेक बना के पी लूँगा और फिर चल लेंगे कुर्ता लेने के लिए। शाम में भाई मार्केट में बहुत भीड़ है, पता नहीं वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, पर भाई जाना है और लेके भी आना है, तो चलते हैं और देखते हैं फिर। ओके, तो फिलहाल कल है इंडिया का लास्ट मैच, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, और दिवाली भी है। और मैं इस बात से कंफर्म हूँ कि नीदरलैंड से इंडिया जीत जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा नीदरलैंड बुरी टीम है, पर इंडिया काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, नीदरलैंड अभी नहीं है, नहीं है। इंडिया एब्सोल्युटली जीत जाएगी और इंडिया फॉर्म में भी है, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड होने वाला है जहाँ तक, क्योंकि अभी मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान का, अफगानिस्तान ऑलरेडी आउट है। अगर आ सकती थी टॉप फोर में तो वो आ सकती थी पांचवें नंबर वाली पाकिस्तान, जो कि अभी इंग्लैंड ने 338 रन का टारगेट दिया है। 338 रन होना है, 339 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को जीतने के लिए, और पाकिस्तान 339 रन कतई नहीं बना सकता। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो भी हो, अगर न्यूजीलैंड के साथ भी मैच होना, इंडिया थे। और अभी शेक बना लिया है, ठीक है, केले तो मैंने खा लिए, तो उसमें बस केले नहीं है, बाकी सब कुछ है, ओट्स वगैरह, पीनट बटर, ओट्स पीनट बटर यही है बस, और क्या है। देखो जतिन भाई का कुर्ता, अपन का कुर्ता, ओम भाई का कुर्ता, अब भाई जतिन भाई के भाई का कुर्ता ना मिल रहा। चलो वो तो मिल जाएगा, पहले इसका ना मिल रहा था, लेकिन चलो वो तो मिल जाएगा, बस पैंट मिल जाए चारों को, निकले फिर हम। बहुत जाम है वैसे, सारी मार्केट में फंस गए हैं, बहुत देर लगी इस बार आने में। चलो भाई, बड़ी मुश्किल से टाइम पर, कितना हो रहा 9:30 और हम 7 बजे वहाँ पहुँच लिए थे दुकान पर, लगा लो कितना टाइम लगा दिया। ये चारों लेके चल पड़े। Meanwhile, हाँ जी, तो गाइस कुर्ता वगैरह सिला के आ चुके हैं, और देखो ये है मेरा कुर्ता एंड दैट्स माय पैंट, ठीक, फॉर्मल पैंट सिलवाई है। एंड आपको ये मैंने अभी पहन के देखा है घर पे आके, और ये ओम का है, ठीक है, ये सब तो ठीक है। मैं आप लोगों को इसे दिखाऊंगा अपने आप को पहना हुआ, तब दिखाऊंगा, मतलब कल ही दिखाऊंगा दिवाली वाले दिन, तो ठीक है, मतलब ऐसे कुछ बात नहीं है, कल दिखाएंगे आप लोगों को दिवाली वाले दिन की कैसा लग रहा हूँ। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 10:15, और अभी कुछ सामान वगैरह देने के लिए गया था कहीं पे, और ये देख लो ये मेरी पानी की बोतल है, और ये हैं ओम के कपड़े, और वो मेरी गली है, ये मोहम भाई की गली, देख लो
सोच रही है अब लग रहा है दिवाली आई है, आज छोटी दिवाली है, पर ऐसा ना पहले एक हफ्ते पहले सजाया करता था इतना दिवाली से। ठीक है अभी फिलहाल चल रहे हैं मम्मी घर पे, ये देंगे। और खाना मेरे घर पे ना मम्मी ने ना पता क्या बनाया है, मम्मी ने बनाया वो जो मोदी जी की एक रेसिपी है सहजना की फली जो होती है उसके पराठे। तो सहजना की फली होती है एक रेसिपी, सहजना की फली के पराठे मोदी जी ने बनाई थी, बताई थी वो, तो वो खाते थे, तो वही रेसिपी मम्मी ने बनाई है। तो मैंने लगाया मम्मी मैं तो खाने रहा, वो लोग खा रहे चाय पराठे, अभी मैं मम्मी घर पर आया हूँ तो ये सामान भी दूंगा और यहीं पे कुछ ना कुछ खाऊंगा। गेट खोल, गेट खोल।